तो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं और आपको अपने डिवाइस को यूज करने के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा कनेक्शन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे हमको डेटा कनेक्शन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो डेटा कनेक्शन का प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ, उन सेटिंग्स को जरूर से यूज कर लेना अपने डिवाइस में। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप Realme का फोन यूज करते हैं और उसमें आपको डेटा कनेक्शन का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो जनरली होता क्या है कि कई जगह पे आपका डेटा काफी अच्छे से वर्क करता होगा, कई जगह पे आपका डेटा अच्छे से प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स को जरूर से यूज करना चाहिए जब भी आप ऐसे एरिया पे रहें जहाँ पे जो है नेटवर्क का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा वीक होता है, उस सिचुएशन में आपका काफी ज्यादा ये हेल्प करने वाला है ये फीचर, ठीक है। और जनरली कई सारे Realme के फोन में इस फीचर को जो है यहाँ पे इनबिल्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ सेटिंग्स जान लेते हैं, देन उसके बाद इस फीचर को जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने डिवाइस की सेटिंग में चलाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको सिंपली हम मोबाइल वाले नेटवर्क पे जो है क्लिक करना है, और मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे से सिम स्लॉट को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे नेटवर्क का कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इस पे टैप करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम, ठीक है, इस पे सिंपली टैप करना है, और यहाँ पे इस पे थ्री डॉट पे टैप करके इसको यहाँ पे एक पहला रीसेट कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। रीसेट करने के बाद इस पे आई बटन पर टैप करना है, आई बटन पर टैप करने के बाद सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे बीआरआर का एक ऑप्शन मिलता है, इसको सिंपली टैप करना है, और इसके बाद आपको सारे ऑप्शन को यहाँ पे टिक मार्क कर देना है, ठीक है, दो से चार ऑप्शन को आपको टिक मार्क कर देना है और बैक ले लेना है। अब जैसे आप टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे टिक मार्क के ऑप्शन में सिंपली टैप करना है, देन सेव पे आपको टैप कर देना है। सेव करने के बाद आपको सिंपल बैक लेना है, जैसे आप यहाँ पे बैक लेने तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, अपना इंटरनेट आपको क्लोज कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और अपने डिवाइस को फ्लाइट मोड में जो है एक्टिव कर देना है। ये देख सकते हैं हमारा डिवाइस जो फ्लाइट मोड में एक्टिव हो चुका है। अब आपको करना क्या होगा, उस जो सेटिंग मैंने आपको बताया, जब आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे जो है डेटा कनेक्शन या फिर कहें नेटवर्क जो है आपका स्ट्रेंथ जो है वीक हो, वहां पे इस फीचर को इनेबल करते हैं, तो आपका जो इंटरनेट है, आपको जो यहाँ पे कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा था, वो बार बार जो है यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम कोई चीज यूज करते हैं, कोई भी यहाँ पे सर्फिंग करते हैं, तो हम जो है इंटरप्टेड होने से बचने के लिए हम कई सारी चीजों को यूज करते हैं, तो विदाउट इंटरप्ट हुए आपका डिवाइस जो है इजिली चल सकता है। तो इसके लिए एक सेटिंग दी गई है डिवाइस में, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली अपने डिवाइस के सेटिंग पैनल को सबसे पहले ओपन करना है, देन उसके बाद जो है आपको मोबाइल नेटवर्क को ओपन करना है, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क को ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, यहां से इसको फ्लाइट मोड को जो है वापस से डिसेबल कर लेना है, ठीक है, इसको डिसेबल कर लेना है। अब डिसेबल करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहां पे आना है, जैसे आप यहां पे आएंगे तो यहां पे एक ऑप्शन मिलता है आपको, ऑटो सिम डेटा सिम का एक ऑप्शन मिलता है, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये डेटा आपका जो है यहाँ पे हो सकता है कि आपका इस तरीके से अनहाइलाइट हो, मतलब एक्टिव ना हो, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, इस फीचर को जो इनेबल करना है, और यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप टैप करेंगे तो आपका ये कनेक्शन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा दूसरे डेटा पे। मतलब कि इस फीचर का मतलब है, जैसे कि अगर आपके डिवाइस में दो सिम लगे हुए हैं, फर्स्ट सिम में अगर आपको डेटा आप यूज कर रहे हैं, और मान लीजिए किसी भी कारण से आप ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहां पे जो है डेटा अच्छे से वर्क ना कर रहा हो या फिर इंटरनेट आपका अच्छे से वर्क ना कर रहा हो, तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिक जो है अपने अकॉर्डिंग जो है आपका डिवाइस जो है डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी सिम में। मतलब सेकेंडरी सिम में अगर आपका डेटा होगा तो वहां पे ये ट्रिक जो है वर्क करेगी, और डायरेक्ट बिना इंटरप्ट हुए आपका जो इंटरनेट सर्विस है वो चलती रहेगी। मतलब यहां पे आपको बिल्कुल भी चेंज करने की आपको खुद से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डिवाइस को लगेगा आपकी कि हाँ यहां पे नेटवर्क स्लो है, तो ऑटोमेटिक वो शिफ्ट हो जाएगा सेकेंडरी सिम में और ऑटोमेटिक आपका इंटरनेट चलने लगेगा, आपको वहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी अच्छा फीचर है, इसको आप सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आपको सिंपली इस पर टैप करना है, देन इसके बाद आपको एक बार बैक ले लेना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से इंगेज हो गया है, ठीक है, इनेबल हो गया है, और ये काफी अच्छा फीचर है। जब भी आप यूज करेंगे अपने मोबाइल डेटा में इस सेटिंग को, तो जब आप ऐसे एरिया में रहे जहां पे जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो या फिर नेटवर्क सही तरीके से वर्क ना कर रहा हो, तो उस सिचुएशन में ये ट्रिक काफी ज्यादा वर्क करने वाली है। तो दोस्तों, होपली आपको ये वीडियो जो है पसंद जरूर से आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।